हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो टुडे आज हम देखने वाले एक एरर, दैट इज़ 401 अनऑथराइज्ड। के अनऑथराइज्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक एपीआई सॉरी पोस्ट वन में एक एपीआई टेस्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे एरर आया है कि 401 अनऑथराइज्ड करके। तो एरर क्यों आता है वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा एक एपीआई जहाँ पे हम गेट कैटेगरीज, मतलब थोड़े कैटेगरीज है, उसको मैं फेच कर रही हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि मुझे एरर आया है, अनऑथेंटिकेटेड है। समझो आपने भी एरर फेस किया होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करने का मैं आज वो बोलने वाली हूँ। तो पहले क्या करती हूँ कि मैं पहले रजिस्टर कर कर लेती हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि एरर कैसे सॉल्व करने का। समझो आपका रजिस्टर एपीआई है और आप रजिस्टर कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे रही हूँ 123 करके, और इसको मैं यहाँ, ये मेरा एपीआई। ओके, दिस इज़ द एपीआई, दैट इज़ ऑथ रजिस्टर। तो मैं इसको सेंड कर रही हूँ। सो सेंड करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमको एक टोकन मिलता है, यहाँ पे रजिस्टर टोकन है, इसका हमको कुछ यूज़ नहीं है। ओके, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे कि लॉगिन करके देखेंगे। ओके, तो लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि लॉगिन यूज़र आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन एपीआई है। तो लॉगिन एपीआई में क्या करूँगी, अभी यहाँ पे मैं मेरा यूज़र आईडी डाल रही हूँ और मेरा पासवर्ड क्या है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पासवर्ड है 128। ओके, तो मैं 128 यहाँ पे ऑलरेडी है मेरा 128, तो इसको मैं अभी लॉगिन कर रही हूँ। क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल कौन सा भी एक एप्लीकेशन है, तो उसको पहले हम रजिस्टर करना पड़ता है, तभी हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। ओके, फिर लॉगिन करने के बाद जो कुछ हम, मतलब समझो आप लॉग्ड इन यूज़र है, तो आपको क्या फेच करना है, क्या क्या वो दिखेगा आपको, आप जब लॉगिन रहते हो तभी, नहीं तो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल रेजर पे ही ले लो, जब आप लॉगिन करते हो रेजर पे में, तभी आपको सब कुछ दिखता है, तुम आपके अकाउंट्स के बारे में, सेटिंग्स, कितना पैसा आया, क्या गया, वो सब जब लॉगिन करते तभी देख सकते, राइट। वैसे ही एपीआई भी उसी के लिए है। समझो लॉगिन पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, फिर रजिस्टर किया हमने, रजिस्टर करने के बाद क्या करना पड़ता है, लॉगिन करके देखना पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अभी लॉगिन करके देख रहे हैं। तो मैंने रजिस्टर किया, अभी लॉगिन कर रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल समझो कि मैं एक ऐप टेस्ट कर रही हूँ, एक ऐप है, उसको मैंने रजिस्टर एपीआई बनाया, लॉगिन एपीआई बनाया है, और उस लॉगिन एपीआई में मुझे गेट कैटेगरी, जब लॉगिन होती है तब मुझे मेरे कैटेगरी मुझे दिखने चाहिए। ओके, ऐसा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि लॉगिन करके देखेंगे। तो अभी मैं लॉगिन सेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा लॉगिन हो गया अभी। ओके, लॉगिन सक्सेस, आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन सक्सेस हुआ है, और लॉगिन होने के बाद मुझे एक टोकन मिला है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो कि मैंने रेजर पे में अभी लॉगिन मेरा हो चुका है। लॉगिन हुआ, अभी लॉगिन होने के बाद मुझे क्या मिला है, एक टोकन मिला है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि गेट कैटेगरी। अब मैं लॉगिन होने के बाद मुझे उस लॉगिन, मतलब मैंने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करके रखी है, वो मुझे कैटेगरीज देखने हैं। ओके, तो कैटेगरीज हम कैसे देख सकते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे गेट कैटेगरी करूँगी। लेकिन जब मैं गेट कैटेगरी कर रही हूँ, तब मुझे क्या आ रहा है कि एरर आ रहा है, 401 अनऑथराइज, मतलब कैटेगरी जो है उसको मेरा लॉगिन वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐप तो नहीं है नहीं। तो लॉगिन तो हुआ है, लेकिन इसको मुझे फेच करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब लॉगिन करती हूँ तब मुझे एक ऑथ आईडी मिलती है। ओके, तो मुझे इसको लेना पड़ता है। ओके, तो इसको ले के हम गेट कैटेगरी में गए, तो यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन रहता है। ओके, सो ऑथराइजेशन हमको लेना है कौन सा, बीरर टोकन लेना है, और यहाँ पे मेरा टोकन रहती हूँ। मतलब अभी उसको समझ में आएगा कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र है कि नहीं। ओके, तो अभी मैं लॉग इन कर रही हूँ, सॉरी कैटेगरी, गेट कैटेगरी कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कैटेगरी का डिटेल्स मुझे मिल गया। ओके, मतलब सक्सेस हो गया, क्योंकि अभी इसको समझ में आया इस कैटेगरी को, ये ऑथराइज्ड यूज़र है, लॉग्ड इन यूज़र है, इसलिए उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो समझो आपको 401 एरर आ रहा है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ऑथराइजेशन की उसको चाहिए। समझो आप कौन सा भी एपीआई ले रहे हो, फॉर एग्जांपल बस एपीआई है, जहाँ पे आप को बस का डिटेल्स, मतलब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, समझो बस का, बैंकिंग का, कौन सा ही बना रहे हैं, तो वहाँ पे ऑथराइजेशन चाहिए चाहिए, तभी वो वर्क होता है, नहीं तो ऑथेंटिकेशन दिखाएगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया है। समझो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, उसका हम आंसर देते हैं। ओके, और आपको वीडियोज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।